हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राजवंत सिंह भाली और ये हमारा जो चैनल है आपको रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने के साथ साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर भी जागरूक करता है। आज का जो टॉपिक है वो मैंने फिर लिखा, बेसिक ऑफ रियल स्टेट्स, 3 पॉइंट, कैलकुलेशन, कंपेरिजन ऑफ रेट्स, मैनिपुलेशन। 3 बेसिक चीज़ें हैं जो रीढ़ की हड्डी हैं रियल स्टेट बिजनेस करने के लिए। ये 3 दिन पहले मेरी ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग में जब मैंने ये बताया कि ये चीज़ें जो 3 पॉइंट हैं रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन है रियल स्टेट के, तो उनके सवाल आए कि ये इसको और एक्सप्लेन करो, कि ये एक्सप्लेन करो। ज़्यादातर उन्होंने कहा कंपैरिजन ऑफ रेट्स को करो, हम इसके बारे में कंफ्यूज है कि कंपैरिजन ऑफ रेट क्या है। मैनिपुलेशन के बारे में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो चलो, पहले तो मैंने बताया जो रियल स्टेट में कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी रियल स्टेट खरीदना चाहते हो, आपके पास कैलकुलेटर जरूर रखें, कैलकुलेशन करें, हर एंगल से कैलकुलेशन करें, कितने की हमें खरीदनी है, कितने इसके ऊपर खर्चे हैं, कितने इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर लगेंगे, कितनी इसकी सरकारी फीस है, कितनी, हर एक चीज़ आपके पास कैलकुलेटर में होनी चाहिए। नंबर 2, कंपैरिजन ऑफ रेट्स। कहते कंपैरिजन ऑफ रेट, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके आसपास जहाँ आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हो उसके आसपास 5, 7, 10 कॉलोनीज होंगी और कोई आसपास में प्लॉट्स बिक रहे होंगे, किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिए में जहाँ पर आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पर कई कॉलोनी अलग अलग होंगी। किसी में कोई रेट 5,000 रुपये गज का हो सकता है, किसी में 10,000 रुपये गज का होगा, किसी में 8,000 रुपये का होगा। हमने देखना है कि 5,000 वाली कॉलोनी में 5,000 रुपये रेट कम क्यों है और 10,000 वाले में 10,000 रेट क्यों। 10,000 में सहूलतें डेफिनेटली ज़्यादा होंगी, रोड्स वगैरह अच्छी होंगी, बस स्टैंड नज़दीक होगा, कोई और कई चीज़ें जो हो सकती हैं, रेलवे स्टेशन भी नज़दीक हो सकता है, कॉलेज स्कूल नज़दीक हो सकते हैं, 5,000 वाली थोड़ा दूर हो सकती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि वहाँ रेट कम क्यों है और यहाँ रेट ज़्यादा क्यों, कंपैरिजन ऑफ रेट। और मैं सिंपल बात ये आपके लिए कहता हूँ, नौजवान बच्चे हैं, कोई 10 रुपये की चीज़ भी खरीदनी है उन्होंने, सपोज चलो 200, 300, 400 रुपये की कोई चप्पल खरीदनी है, कोई टी शर्ट खरीदनी है, कोई कुछ, वो जब Amazon.in पे जाते हैं तो Amazon.in पे जाके वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ट्राई करते हैं। Amazon पे भी चेक करेंगे, Flipkart पे भी चेक करेंगे, इंडिया मार्ट पे भी चेक करेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ, वही तो कंपैरिजन ऑफ रेट है। और क्या कंपैरिजन ऑफ रेट, बहुत सिंपल है। जो आपने कोई 100, 200, 500 रुपए की चीज़ लेनी है, हमने भी लिया था जो ये ट्राईपॉड है जो लिया था, तो मैंने ये 5,000 रुपए का ट्राईपॉड है, तो मेरा ख्याल है मैं 4 दिन तक उसकी वीडियो सुनता रहा, कभी कोई मेरे को कौन सा बेस्ट चाहिए, कैसा कैसा फीचर चाहिए और वहाँ पर क्या है, सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा है, हर चीज़ जब मेरा कंपैरिजन करके सारी चीज़ें तसल्ली करके ले लिया, तो आज ये ट्राईपॉड को आए मेरे 2 साल हो गए और मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्यों? हमने सारा ट्राई करके लिया। ये रियल स्टेट में भी आपने इसी तरीके से करना है। जब हम 200 रुपए की चीज़, 500 रुपए की चीज़, कोई हमने कोई अपने लिए, बच्चों ने अपने लिए कोई चीज़ें मंगानी होती है, कोई हम छोटी मोटी फ्रॉक्स मंगाते हैं बच्चों की, कोई जीन का कपड़ा मंगाते हैं 200, 400, 500, तो हम 10 जगह पे 10 प्लेटफॉर्म पे चेक करते हैं। ये क्या है, ये कंपेरिजन ऑफ रेट तो है और क्या है, क्वालिटी, मतलब क्वालिटी कैसी है और रेट उसका कितना है, ये कंपेरिजन ऑफ रेट, ये सिंपल कंपेरिजन ऑफ रेट। मैनिपुलेशन, फिर अगले पूछा था मैनिपुलेशन क्या, मैं कहा हिंदी का एक शब्द याद कर लो, जुगाड़, साम दाम दंड भेद, किसी तरीके से लगा लो, आपने इसको सिरे लगा देना बस। कोई भी काम करने वाले हो, रियल स्टेट में कोई काम कर रहे हो, ये आपका काम अधूरा नहीं रहना चाहिए, ये जुगाड़ लगाना है आपने, इसको मैनिपुलेशन कर देनी है, मैनिपुलेट कर देना है। मैनिपुलेशन नेगेटिव वर्ड लोग मानते हैं लेकिन नेगेटिव वर्ड नहीं है। कई बार हमारे पास हमारी कोई मशीनरी ख़राब हो जाए तो उसका प्रॉपर हमें जो पुर्जा नहीं मिलता, वो हम उसके जगह पे कोई और चीज़ के साथ हम उसका जुगाड़ कर लेते हैं, दैट इज़ मैनिपुलेशन। तो ये मैनिपुलेशन होती है। सो दोस्तों, आज के लिए इतने, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा भी करना। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन दबा देना, कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में। और हमारा एक चैनल नया खुल गया है, उसका चैनल का नाम है गोल्ड गुरुकुल।
आप उस पर भी जाएं, उस पर भी अच्छी आपको क्वालिटीज वाली वीडियो मिलेंगी। तो हम रल मिल के मिलजुल के हमने नॉलेज अक्वायर करनी है, अपने पास नॉलेज प्राप्त करनी है और एक दूसरे से सीखना है, सीखना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। आप तब तक ध्यान रखें, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच।